खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। असद कैसर ने कहा कि हमारे वजीर आला को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये पूरे सूबे की तौहीन है। अगर आपका ख्याल है कि यह हमला हुआ और बस खत्म हो जाएगा तो यह गलतफहमी है। इस मामले पर के पी असेंबली इजलास बुला रहे हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक के पी हाउस में खवातीन और बच्चों के साथ बदतमीजी के मामले को भी जेर बहस लाया जाएगा। जिस तरह अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो स्क्रीन से आउट है, इनको अबडक्ट किया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है, वो एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला है। ये सिर्फ अलीमीन खान की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सूबे की इंसल्ट है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर अलीमीन को जो है ना उसको छोड़ा जाए और फिर अलीमीन के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपने फैसले वो कैसे करता है, अपनी लीडरशिप से मशवरा करते क्या करता है।